टोटली रिफ्लेक्ट करना है और सबसे पहले तो हम ये एंगल मार्क कर देते हैं यहाँ पे दैट इज यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं सो so, ये जो एंगल है दिस वन ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट रहे दैट इज मेकिंग 90 डिग्री मतलब ये अनडिविडेड पास हो जाएगा और ये एंगल नाइन्टी माइन सिक्सटी दैट इज़ थर्टी डिग्री यह एंगल जो होगा दैट विल बी डिग्री, नाइन्टी माइनस थर्टी ये एंगल सिक्सटी डिग्री है मतलब जो आई हो गया दैट इज सिक्सटी डिग्री सो आई इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और क्वेश्चन ये पूछा है कि लिक्विड इज पोर्ड ऑन दाइब्रिटेन्यूज ऑफ ब्रिज सो ये हाईब्रिटेन्यूज है इस पर लिक्विड पोर्ड किया गया है उसका हम मान लेते हैं म्यू है और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम ऑफ द लिक्विड सो दैट लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इसका म्यू हमें दिया हुआ है दैट इज रूट थ्री इसका हम मार लेते हैं म्यू इसका म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं म्यू एल मान लेते हैं सो so, यहाँ पे हम स्नेल्स को यूज़ करते हैं एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू वन डेट इस रूट थ्री, साइन ऑफ़ 60, म्यू वन साइन इज़ इक्वल टू म्यू टू साइन ना, इज़ इक्वल टू म्यू टू, डेट इस म्यू एल इंटू साइन ऑफ़ आर, आर अगर हमें एंगल निकालना है तो हम कंसिडर करेंगे कि ग्रेजिंग यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब ग्रेजिंग पाथ में जा रही है रे यानी कुछ इस तरीके से जा रही है यहाँ से होते हुए सो so, इसके लिए जो साइन है वो ये जो एंगल आ जाएगा दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट विल बी 90 डिग्री इससे हम म्यूएल निकाल सकते हैं म्यूएल दैट इज़ इक्वल टू रूट थ्री इन टू साइन सिक्सटी दैट इज़ रूट थ्री बाई टू आ जाएगा हमारा थ्री बाई टू एंडल तो मील हो जाएगा हमारा 1.5 इसमें हमने ये कंडीशन मान के सॉल्व किया है कि ये जो एंगल आया ये वाला दैट इज सिक्सटी डिग्री इसको हमने थीटा मान लिया ठीठा सी मान लिया दैट इज क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल हमने मान लिया है डेट इज सिक्सटी डिग्री तब जाके हमें मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकल जाएगा सो दैट लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड सो so, ये हो जाएगा हमारा सल्यूशन इस क्वेश्चन का